जय जिनेंद्र। उपस्थित सभी भरत समाज के सभी प्रमुख गण, पुरोहित भाई जो बॉम्बे से आए वो भी, मंच पे उपस्थित सभी बहुमान्य व्यक्तिगण, उपस्थित दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज की इस सभा में यहाँ उपस्थित हुए। और मुझे समर्थन आपसे मांगने से पहले आप लोगों ने ही अपना समर्थन व्यक्त यहाँ पर कर दिया। राजनीति में और सामाजिक जीवन में ऐसा क्षण बहुत कम लोगों के जीवन में आता होगा कि इलेक्शन है और इलेक्शन में लोगों को बुला के समर्थन मांगने से पहले लोग उसको समर्थन देते हैं, ऐसा क्षण जीवन में बहुत कम आता होगा, बहुत कम लोगों के आता होगा। मैं अपने आप को नसीबवान मानता हूँ कि भगवान की कृपा है, ये कर्म बोलता है। आपके अगर कर्म अच्छे रहते हैं तो फल भले लेट मिलता है लेकिन मिलता पक्का है, और ऐसा फल मिलता है कि उसके बाद पूरी जीवन आपको खाने का आनंद आता है। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की लीला है। हम लोग बोल कहते हैं कि राहु काल चल रहा है, केतु काल चल रहा है, शनि की साढ़े साती है, साढ़े सात साल की साढ़े साती है, बारह साल की साढ़े साती है, अभी माथे पर है, अभी छाती पर है, अभी लोहे के पाए में, बोलते कि नहीं? हाँ? तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, पृथ्वी बनाई है, इसमें आप देखो जब से सृष्टि बनी है तब से साधु संत पीर महात्मा फकीर आदिनाथ भगवान इस सृष्टि में हर कोई आया और चला गया। सर्वसामान्य मनुष्य की बात नहीं करता हूं मैं, विष्णु के 10 अवतार भी आए, भगवान राम भी आए, भगवान श्री कृष्ण के तो पता नहीं कितने अवतार आए, मगर पृथ्वी पे आए, सृष्टि में आए, चले गए तो क्यों हुआ ऐसा? अगर भगवान है, विष्णु के अवतार है, भगवान के अवतार है, मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे आकर के मनुष्य जाति को जीवन कैसे जगना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, यही बताने को आए थे ना, फिर चले क्यों गए? इसलिए चले गए कि उनकी अंतिम यात्रा के माध्यम से ईश्वर ने ये बताया है कि मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय का है, इस सृष्टि में जो आएगा वो जाएगा पक्का, ये बता रखता है। और इसलिए आपका कर्म क्या होना चाहिए, आपका अगर कर्म अच्छा है तब भी आप पे साढ़े साती आती। सृष्टि का प्रकृति का नियम ही ईश्वर ने ऐसा बनाया, आप जब जन्म लेते हो आपका जन्म स्थान क्या होता है, जन्म कुंडली क्या होता है, लग्न क्या होता है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, शनि कहाँ है, गुरु कहाँ, मंगल कहाँ, बुध कहाँ, शुक्र कहाँ है, ये सब एक प्रकृति का नियम ईश्वर ने बनाया, वरना 750 करोड़ लोगों का हिसाब ऊपर वाला कैसा रखेगा, रख सकता है? मतलब कोई तो है जो सबका हिसाब रखता है, तो उसने सृष्टि का प्रकृति का नियम ही ऐसा बनाया है कि घड़ी ऐसी बिठाई है, सितारे ऐसे बिठा दिया है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात रख दिया है, मतलब अगर आपको 12 घंटा जीवन में आप तरक्की करते हो तो 12 साल आपके जीवन में आपको परेशानी भी भोगना पक्का है। अगर ये नहीं होता तो भगवान राम को 14 साल वनवास नहीं जाना पड़ता, अगर भगवान राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा तो इससे मनुष्य जाति को क्या सुनने मिलता है कि जब भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा तो आपके हमारे जीवन में भी वनवास पक्का है। लेकिन अगर कर्म अच्छा है तो वनवास में आपको परेशानी कम होगी, तकलीफ कम होगी, लेकिन होगी पक्की। शनि की साढ़े साती चालू होती है तो हर आदमी परेशान हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, अच्छा खासा कारोबार खराब हो जाता है, घर परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोस्त साथ देना छोड़ देता है, बीवी घर छोड़कर चले जाती है, बच्चा अगर हॉस्पिटल, पिताजी हॉस्पिटल में है तो बच्चे हॉस्पिटल का बिल नहीं भरते हैं। मैंने अपनी आंखों से, नजरों से ये रोज देखता हूं, डेली देखता हूं, होता है कि नहीं ऐसा? बोलते शनि की साढ़े साती,
मगर भगवान उस आदमी की अकेले की परीक्षा उस अपनी लेते रहता है। जो लोग उस आदमी को छोड़ के जाते हैं उनकी भी परीक्षा चालू रहती है कि तुमने अपने माता को, पिता को, दोस्त को, रिश्तेदार को उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया तो आपका कर्म अच्छा नहीं है, मतलब तुम गलत काम कर रहे हो, तो उसके गलत काम के खाते में वो सब जुड़ते चला जाता है। आदमी को लगता है इसका टाइम खराब है, अपन कहा इसके चक्कर में पड़ने का, ये तो रोज पैसा मांगता है, ये तो बर्बाद हो गया है। तो तुम दोस्त होता है उसको भी हम साथ छोड़ देते हैं उस समय में, कि ये सोच के भी इसका टाइम खराब चल रहा है, मैं रहूंगा तो मेरा भी टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन उस बुरे समय में जो उसको मदद करता है वो ये भूल जाता है कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा इसके बुरे समय में तो मेरे कर्म में अच्छा लिखा जाएगा, और मेरे साड़ी शादी के टाइम पे कोई मदद करे नहीं करे ईश्वर मेरी मदद पक्का करेगा। मैंने अपने जीवन में ये सिद्धांत रखा है कि अपने कार्य से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से कोई मनुष्य का मन दुख मेरे वजह से नहीं होना चाहिए। यह मेरे जीवन का सिद्धांत है, और इसीलिए फिर उसको आप बोलो सर्वधर्म समभाव बोलो, उसको गरीबों की सेवा बोलो, उसको सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा चरित्र बोलो, चाहे जो आप उसको शब्द दे दो, मगर ये सब एक सिद्धांत है कि कभी किसी का मन दुख नहीं करना चाहिए। परेशानी में, अड़चन में, तकलीफ में अगर आदमी है, जितनी मदद तुम कर सकते हो, देखिए मदद आप नहीं करते, हम नहीं करते, वो सब ईश्वर ने इधर लिख के भेजा है, सब यहां लिख के भेजा है। तुम जितना दान धर्म करते हो वो भी सब लिखा हुआ है, नहीं करते हो तो फिर उतना नुकसान भी उठाते हो। धर्म कर्म क्यों दिया है, कि तुम दान करो, क्यों दिया है दान, तो तुम्हारे अपने कर्मों का, अगर कोई कर्म गलत हो गया है तो अगर तुमने दान धर्म किया सही जगह पे तो वो आपके कर्म का डेबिट क्रेडिट का हिसाब है। आपका हमारे जीवन का ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट रोज बनती है, गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स में साल में एक बार बनती है, मगर अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में हर क्षण में बनती है, हर समय बनती है, हर वक्त बनती है, कि आपने एक सेकंड में शब्द से, व्यवहार से, आचरण से आपने किसका अच्छा किया, किसका बुरा किया, उससे बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे कर्म अच्छे हैं, इसके लिए आज आप लोग मुझे समर्थन देने आए हैं। जीवन में पैसा बहुत मिल सकता है, दोस्त बहुत मिल जाएंगे, मगर गुरुदेव, गुरुदेव हर एक को नहीं मिलते। मिलते क्या, मैं तो उसमें भी भाग्यशाली हूं, उसमें भी भाग्यशाली हूं कि गुरुदेव भी मिले हुए हैं। और कितने साल का संपन्न, 30 साल, 30 साल से अपना शांतिनगर सेक्टर 3 के मंदिर में दर्शन में मूर्ति भराई है। किसको मालूम था कि ये शहर में जैन के ऊपर राजनीति होगी, किसको मालूम था कि जैनिज्म के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति शहर में होगी, हमको थोड़ी मालूम था। सभी मंदिर बनाते हैं, सभी धर्मस्थल बनाते हैं, तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे को ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है कि ये काम तुमको करना है। मैंने नहीं किया, क्योंकि भगवान का घर भगवान खुद बनाता है, और हर एक के हाथ से नहीं बनवाता, हर एक के हाथ से नहीं बनवाता, हर एक का पैसा भी नहीं लगता। आप देख लेना, कई लोग बोली बोल के चले जाते मगर पैसा आता नहीं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देता, बात समझ लीजिए आप, अपने को लगता है उस आदमी ने नहीं दिया, मगर ये ईश्वर की इच्छा होती है कि उसका पैसा वहां नहीं लगना चाहिए। तो अपने घर के अंदर आप अपना खुद का आप और हम मकान बनाते हैं तो मूर्ति कहां रहेगी, दर्शन कहां रहेगा, किचन कहां रहेगा, हर चीज की व्यवस्था आप अपने अपने घर की करते हैं, करते नहीं करते। और अपने घर को खरीदने के लिए आप कोई गलत पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, करते तो भगवान कैसे मंजूर करेगा कि गलत व्यक्ति का पैसे से कोई घर का निर्माण उसका कर देवे।
तो अगर सही पैसे का और सही व्यक्ति का पैसा लगता तो किसकी इच्छा हुई? भगवान। तो कोई गलती से आदमी संघ में पैसा बोली कर दिया और नहीं दिया तो उसको ब्लेम मत करना, समझना कि भगवान की इच्छा है कि इसका पैसा मंदिर में नहीं लग पाता। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज, ये देख लो आप, इसमें फोटो है, अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन में मैं प्रमुख अतिथि था 91 में। 91-85 में मेरा पॉलिटिकल करियर चालू हुआ। 91 में अक्षरधाम मंदिर में मैं और चिमन भाई पटेल अपना प्रमुख स्वामी महाराज, ये इसमें फोटो है, ये अक्षरधाम का फोटो है, और उसके बाद में ये 2012-14 का फोटो है। तो सोच लो कितने साल का मेरा संबंध रहा प्रमुख स्वामी महाराज से भी। सभी धर्मों के साधु संतों के साथ आशीर्वाद मिला, कभी हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया। आज ये फोटो भी पहली बार छापा अपने जीवन में हमने, फर्स्ट टाइम, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई ये आदमी का सभी साधु संत सभी वर्ग सभी समाज के साथ में संबंध संपर्क कल का नहीं है, कल की राजनीति के लिए नहीं किया हमने, ये हमारे कर्मों में ऊपर वाले ने लिख के भेजा कि ये कर्म तुम्हारे हाथ से होगा, तो कर्म हम कर रहे हैं। मंदिर के लिए चिक्किया बने, जैसा बोला ना कि भगवान, ये पूरी सृष्टि भगवान का घर है, जहां इच्छा होगी वहां विराजमान हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सके, जिसके हाथ से होगा उसके हाथ से हो जाएगा, और जहां होगा उस वक्त जो कुछ भी योगदान मेरा होगा वो ईश्वर की कृपा से मेरा भी पूरा योगदान रहेगा। इस शहर को पिछले 5 साल में बहुत अलग अलग चित्र देखने मिला है। ये मैनिफेस्टो के माध्यम से आप लोगों को मेरा 30-35 साल का पॉलिटिकल कैरियर भी सामने नजर आएगा। इन 30-35 सालों के अंदर हमारे ऊपर कभी भी कोई लांछन नहीं लगे, करप्शन की बात, गुंडागर्दी की बात, किसी को तकलीफ देने की बात, परेशान करने वाली बात, ऐसा कोई आदमी एक आदमी भी शहर में नहीं बोल सकता है कि मुजफ्फर भाई आपकी वजह से हमारे को तकलीफ हुई है, क्योंकि हमने राजनीति को व्यवसायीकरण नहीं समझा कभी, हमने राजनीति को समाजकरण समझा। किसी समाजकरण करना है, लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त हमारे माध्यम से होनी चाहिए, और समाज के अंदर हम एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, हमारे पीछे जो कार्यकर्ता या कार्यकर्ता बनेंगे उनको उनका भी आचरण उस तरह से होना चाहिए, सभी को साथ लेकर के चले, सभी को मदद करें, वही समाजकरण है। वरना क्या है, हिंदुस्तान में 4,500 एमएलए, 544 खासदार है, सांसद है, 60 साल 70 साल में कितने लाख एमएलए बने होंगे बताइए, किसके नाम याद है किसी को? आपके गुजरात से राजस्थान से मुझे पिछले 10 साल पहले का एमएलए का नाम बता दो, किसको याद है? मगर किसी ने अच्छा काम किया होगा तो लोग उसका नाम वो मरने के बाद भी याद रखते हैं। आदमी पीठ पलट करके जब जाता है उसके पीछे जो आदमी बोले ये आदमी सच्चा है, ईमानदार है, शरीफ आदमी, समाजकरण में और राजकरण में मुझे मेरे हिसाब से ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और कमाई है। 500 करोड़ 1000 करोड़ मंत्री पद ये कमाई नहीं है, वो एक माध्यम है काम को फास्ट करने का, तत्काल सर्विस, इमरजेंसी में जाके वो टिकट लेते हैं ना, तत्काल सर्विस है वो, कि आप स्टेज पे बैठो आपको मान सम्मान मिले और फास्ट लोगों का काम करो। और ईश्वर भी हर आदमी को, हाँ, हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने जीवन में अच्छा काम करने के लिए, गरीब से गरीब आदमी से और अमीर से अमीर आदमी तक। आपको भी आपके जीवन में बहुत बार ऐसी संधि आई होगी, उसको देखने का काम वो आपका है कि मुझे संधि मिली है मैं इसका सोना करूं कि पित्तल करूं। तो ये मंत्री पद वगैरह सब अपनी जगह है। मैंने तो इस शहर में वो काम किया जब मैं नगर सेवक नहीं था, आमदार नहीं था,
तब हमने पानी वाटर गटर मीटर स्ट्रीट लाइट ये वो स्मशान कब्रस्तान परेल ग्राउंड रेलवे शहर में जो काम आप उठा करके देख लो और अगर इसमें कोई कह दे कि इसमें हुसैन साहब का कोई संबंध नहीं है तो मैं कल अपना नॉमिनेशन वापस ले लू। पर अगले 5 साल के अंदर पिछले 5 साल में जो परिस्थिति हुई है वो आप लोगों को पता है। कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे मेरे पर भी उड़ेंगे तो मैं उस बात में विश्वास नहीं रखता। मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि जो विधायक है उसका जो मैनिफेस्टो है जाहिरनामा है 5 साल पहले का अगर आपको मिलेगा आपके पास अगर आएंगे तो उनको बोलना पिछले साल का 5 साल का जाहिरनामा आपका लेकर आइए फिर आपसे बात करेंगे। और उसमें जो मुद्दे लेके पूछिए टोल नाका क्यों नहीं हटा मीरा रोड से ट्रेन क्यों नहीं चालू हुई भाईंदर से लोकल स्पेशल क्यों बढ़ी नहीं महिला स्पेशल की वृद्धि क्यों नहीं हुई कचरे का डबल टैक्स क्यों लगाया पानी का बिल क्यों बढ़ाया 24 घंटा पानी आने का था क्यों नहीं आया बस का उद्घाटन 5 बार हो गए बसेस क्यों नहीं शहर में चालू हुई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम पूरा क्यों नहीं हुआ कोर्ट की बिल्डिंग बन के 5 साल से रेडी पड़ी उसे क्यों चालू नहीं किया सेवरल ट्रीटमेंट प्लांट बन करके रेडी 5 साल से पड़ा हुआ उसको क्यों चालू नहीं किया शहर में नया प्लेग्राउंड गार्डन क्यों नहीं बना 346 रिजर्वेशन हमने किया था उसमें से 60 रिजर्वेशन स्कूल कॉलेज गार्डन का क्यों इन्होंने कैंसिल करके वहां पे कमर्शियल काम किया क्यों शहर के अंदर का मैंग्रोव नष्ट किया वेटलैंड नष्ट किया गार्डन नष्ट किया शहर में जो पानी भरता है क्यों भरता है उनके एजेंडा जितना था जाहिरनामा जितना था उसके ऊपर सवाल पूछिएगा फिर उनको बोलिएगा कि ये सब काम तो हुआ नहीं तो फिर गर्व किस बात का लगता है आपको गर्व लगने के लिए काम होने की जरूरत है। गर्व एक शब्द अहंकारी शब्द है अहंकारी मुझे गर्व है वो लिख सकते थे मुझे खुशी है लिख सकते थे कि नहीं कि भाई मुझे खुशी है मैंने शहर में ये काम किया मगर गर्व अहंकार की बदबू आती है और अहंकारी रावण भी अहंकार में डूब गया था। कितना बड़ा विद्वान था रावण बहुत बड़े विद्वान थे ना मगर अहंकार में डूब गया और अहंकार के अंदर अपनी बहन की बात को सुनकर के गलत काम किया मां सीता को लेकर के क्यों गया था पता है ना आपको अहंकार में डूब के और उसका अंत किसने किया इतना बड़ा विद्वान अहंकार में डूबने के बाद एक वानर ने उसका अंत किया मनुष्य ने भी नहीं किया। इससे क्या सीखने मिलता जीवन में कि अहंकारी अगर होते हो आप तो आपका जीवन का अंत निश्चित है इसलिए जीवन में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। ये गर्व शब्द से मुझे तो अहंकार की बदबू आती है तो ये पूछिए आप। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर को और अच्छा बनाने के लिए और लोगों की जो सुख सुविधा है उसको बेटर बनाने के लिए और काम करने के लिए लोगों का काम करने के लिए जनता की समस्या का समाधान करने के लिए खाली आमदार बनना या मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। जनता का साथ अगर होगा तो यह सारी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं ये मैं निश्चित और अटल तरकीब से कह रहा हूं आपको। टोल नाका हटाना कोई बड़ी बात है 1000 गाड़ी खड़ी कर देंगे लॉक करके चले जाएंगे घर पे पूरा हाईवे बंद हो जाएगा तक नहीं होगा बंद 1000 गाड़ी उठाने के लिए कितनी टोल की मशीन लगेगी टोइंग की मशीन उठा के ले जाकर रखेंगे किधर। तो अगर करना है there is a way अगर करने की निश्चित दृढ़ निश्चयता है तो हर चीज कर सकते हैं। हमने किया है इतने साल तक और आगे भी हम इसको करेंगे ये मेरा वायदा है आप लोगों से और आप लोगों का समर्थन जो आपने मुझे दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ये शहर के अंदर अमन शांति प्यार मोहब्बत सर्व धर्म समभाव का माहौल हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। जय जिले।